फ्रैक्चर हुआ है और हम जानना चाहते हैं कि हड्डी में हमको क्या खाना चाहिए जिससे हमारी हड्डी जल्दी जुड़े। तो हमको क्या क्या खाना चाहिए, उसका डाइट प्लान क्या क्या होता है जिससे हमारी हड्डी जल्दी जुड़े। अगर हमारी डाइट अच्छी होगी तो हड्डी बहुत ही जल्दी जुड़ेगी। अगर आप मेरे इन बताए गए आइटम्स को अगर आप फॉलो करते हैं, जो जो खाने के पदार्थ मैं बताता हूँ, तो जरूर आपकी हड्डी जल्दी जुड़ेगी। अगर आपकी लेट रिकवरी हो रही है तो आपको जल्दी जुड़ने में ये हेल्प करेगी। तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या खाएं। इससे पहले मैंने बता रखा है हड्डी कितने दिन में जुड़ती है, वो आई बटन पे वीडियो आ रहा है कैसे जुड़ती है और क्या खाना चाहिए, वो आई बटन वीडियो आ रहा है, उनमें सब कुछ देख सकते हो। ए टू जेड फ्रैक्चर से जुड़ी आपको नॉलेज देता रहता हूँ, आई बटन पे आके आप देख सकते हो। देखो हमको क्या खाना है जिससे हमारी हड्डी जुड़े। देखो हमको प्रोटीन, विटामिन डी और विटामिन B12 और हमको वेजिटेबल और सलाद वगैरह ये सब खाना है जिससे हमारी हड्डी बहुत जल्दी रिकवरी में होती है। और देखो आपको पता, मैं क्वालिटी वीडियो के साथ विश्वास भी देता हूं। अगर आपको लगे कि मैं पूरी जानकारी आपको सही आपके काम की दे रहा हूं तो आप चैनल को सब्सक्राइब बाद में करना, पहले वीडियो को पूरा देख लेना। मैं सब्सक्राइब को नहीं कहूंगा इस वीडियो में, क्योंकि सब्सक्राइब आप जब करना जो आपको लगे कि मैंने डाइट आपको सही बताई है और यूट्यूबर्स की तुलना में। देखिएगा हम जो खाने में सलाद होती है, सलाद हमारी हड्डी को जुड़ने में बहुत हेल्प करती है। जैसे अभी इन दिनों में गाजर काफी चल रही है, हमारे लिए खीरा काफी चल रहा है और टमाटर और संतरे, मौसमी और नींबू, और हमको खाने में दूध का सेवन तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में लेना है। देखो हम अगर दूध को लेते हैं तो दूध हड्डी को जल्दी जोड़ने में हेल्प करता है। वो कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। हमारी हड्डी कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस इन चीजों से मिलकर बनी होती है। लेकिन अगर हम कैल्शियम की कमी होती है और जब हड्डी जुड़ती है तो अगर कैल्शियम की कमी होगी तो हड्डी लेट जुड़ेगी, है ना, और हो सकता है ना भी जुड़े। लेकिन अगर हम दूध को अच्छी तरह से लेंगे और डॉक्टर के बताए गए दवाइयां, कैल्शियम, विटामिन D3 हम उनको लेंगे तो अच्छे से हड्डी रिकवर होगी। लेकिन फिर भी और भी चीजें हैं, जैसे आप अगर मांस खाते हो, मांसाहारी हो तो आप मांस खाइएगा, जैसे चिकन खाते हो चिकन, आप मतलब मटन खाते हो तो मटन, और आप अगर काजू बादाम खाते हो, जैसे अगर आप शाकाहारी हो तो आप काजू बादाम का भी सेवन कर सकते हो, काजू बादाम भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है, खीरा भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है, दाल चने ये सब फायदेमंद चीजें ही हैं जो कि हमारी हड्डी को जल्दी जुड़ने में हेल्प करती हैं। मैं जो आपको बता रहा हूँ बिल्कुल एक्यूरेट है, आप इन चीजों को फॉलो करें, डेली डाइट में लें, चने को तो जरूर ऐड करें, चाहे चने की जगह आप दाल को ले सकते हैं, इससे हमारी हड्डी जल्दी जुड़ती है। लेकिन मैंने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप ऊपर आई बटन पे आके देखोगे। आप इसके लिए थैंक यू सो मच जो मेरी सारी वीडियो देखते हो और अच्छा रिस्पॉन्स देते हो। लेकिन साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो अगर आप नए हमारे चैनल पे हो तो, क्योंकि मैं क्वालिटी वीडियो के साथ विश्वास भी देता हूं। क्या होता है, हमारे कैल्शियम, विटामिन D3, विटामिन B12 ये सब लेते रहना है डॉक्टर के बताए अनुसार, और हमको मिस्टेक कोई सी मत करनी है भैया, कोई मिस्टेक मत करना कि हमारी अगर डॉक्टर ने अगर चलने को नहीं बताया और आप चल रहे हैं, पैर में फ्रैक्चर है टीबिया का या फिबुला का या हमारे हाथ का, तो हमको वजन उठा रहे हैं, ये सब नहीं करना है। चाहे फ्रैक्चर हुआ हो या आपके खाली प्लास्टर लगा हो या कोई दिक्कत है, जैसे डॉक्टर बताते हैं उन बातों को आप फॉलो करें। अगर हम डाइट में खाना ही अच्छा नहीं खाएंगे तो भी तो हड्डी जल्दी नहीं जुड़ेगी। लेकिन हमको खाना भी अपना टाइम से लेना है, खूब पेल के खाओ भाई, ज्यादा से ज्यादा खाओ। अगर ज्यादा से ज्यादा खाओगे तो शरीर में लगेगा कहीं ना कहीं, हड्डी में बोन मैरो बनेगी, बोन मैरो बनेगी तो कैल्शियम वैल्शियम सारा कुछ बनेगा, इससे हड्डी हमारी जल्दी जुड़ेगी। क्योंकि हम खाएंगे ही नहीं तो फिर क्या होगा, और हमको जो एक्सरसाइज अगर डॉक्टर ने बताई हो उनको भी करते रहना, इससे कि हमारा स्वेलिंग वगैरह ना बने और ब्लड सर्कुलेशन चलता रहे। हड्डी में थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन चलता है तो वहां पर हड्डी जल्दी हील होती है। और मैं आपको बता दूं, आपको रेस्ट इतना नहीं करना भैया कि आप लेटे रहो, अगर पैर में फ्रैक्चर हुआ तो कम से कम पैर अगर डॉक्टर ने उठाने को बताया तो डॉक्टर की बात को माने, अपने पैर को उठाए जिससे कि मतलब पैर में थोड़ा बहुत बाद में अकड़न वगैरह ना हो। और देखो इसके बाद भी कुछ सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि ऐसे पैर जाम हो जाता है अगर पैर में फ्रैक्चर हुआ था, घुटना, एंकल, हिप या हाथ में कोहनी, शोल्डर, एल्बो या आपके रिस्ट फिंगर्स, ये कुछ भी जाम हो जाता है तो हम क्या करें। आपको फिजियोथेरेपी करानी है और कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के लाऊंगा और मैं आपको समझाने की कोशिश
करूंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है मैं क्वालिटी वीडियो के साथ विश्वास भी देता हूं तो अब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको लगा होगा कि हाँ ये सब डाइट बढ़िया है और आपको वीडियो देखने के बाद अब लगता है कि मैं और भी वीडियो ऐसे ही बनाता रहता हूं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो के साथ में। मैं नैन सिंह फिजियोथेरेपिस्ट, तब तक के लिए चलता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना रखिए ख्याल।